Good morning and welcome back to my channel again. It's day two in Rishikesh. So, रात पर अच्छी नींद मार के पूरी थकान खत्म करके फिर से एक बार तैयार हो गए अगले दिन के लिए मस्ती काटेंगे. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. तो आज का दिन लास्ट एपिसोड की तरह धमाल भरा होने वाला है. तो रेडी हैं दारा? हाँ हाँ बिल्कुल भाई, धूम मचाने के लिए रेडी हैं. अभी सोनू भाई ने कुछ प्लान किया हुआ है, यहाँ से पहले नहा धो के रेडी होके निकलेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद सोनू भाई बताएंगे क्या करना है क्या करना है. सो फाइनली गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने आ गया हूँ और हम सुबह उठ के रेडी होकर निकल चुके हैं. नाश्ता वास्ता करेंगे, बाहर निकलेंगे. थोड़ा सा ठंडा ठंडा मौसम है, हवा में बड़ी ठंडक है, बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है और एक बहुत अच्छा नज़ारा दिखा रहा हूँ. ऐसे नहीं सूर्य उदय होने के बाद का सीन हो रहा है. चाय पीते हैं, पहले चाय पी लेते हैं, चाय पे चर्चा करते हैं, उसके बाद चर्चा पे डिसाइड करेंगे कहाँ जाना. मुझे लग रहा है ब्रेकफास्ट करके यहाँ जब करेंगे सही टाइम से निकल लेंगे, निकल लेंगे यहाँ से निकल लेंगे, क्योंकि पता लगा एक बार भी जाम में फंसे तो एक दो घंटे हमारे बिल्कुल जाएंगे. तो गाड़ी जो लगा दी साइड में रोड पे और हम नीचे निकल गए पैदल पैदल यहाँ से. शायद ये वाला रास्ता गंगा की तरफ जाता है और बीच में कुछ चाय वाय की दुकान भी है, तो वहीं रास्ते में चाय वाय पियेंगे, फिर एक अच्छे से किनारा पकड़ेंगे, बैठेंगे आराम से. सॉलिड जगह आ गया ना, मतलब यार सीधे सोनू भाई देख रहे हो मस्ती. हाँ ये है, ये जगह ये है नीम बीच. नीम बीच है और ये हमें भी आज ही मिला है. तो फाइनली पता चाय की खोज में निकले थे, नीचे उतरते सोचा था गंगा में पहुंचेंगे और यहाँ पे एक बोर्ड लगा देगा नीम बीच. पहली बार आए, मस्त जगह है, प्यारी जगह है, ऐसी जगह है कि अगली बार अगर ऋषि क्या था और यहाँ नहीं आया तो इम्पॉसिबल है मेरी साइड से. इसे मैगी समझने की भूल मत करना, ये गंगा किनारे वाली मैगी है, गंगा मैया का आशीर्वाद है. तो भाई चलते हैं यहाँ से, अभी बीच पे से निकल रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं वापस गाड़ी में. बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी मैगी बनाई थी, ऐसी बनाते रहें. बहुत सही था यार, सुबह सुबह यहाँ आ गए ना छाया में, अब तो थोड़ी धूप आ गई, फिर थोड़ा सा गर्म हो गया. जब हम आए थे ना छाया भी थी और हवा भी चल रही थी तो उसमें लगवाई. अब यहाँ से कुछ भी नहीं तो 2 किलोमीटर की चढ़ाई है गाड़ी तक पहुँचने में, होगी मेहनत तगड़ी वाली. 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की पैदल ऊपर तक चढ़ाई करने के बाद ना पसीना आ गया एकदम से. अब निकले हैं यहाँ से और निकलते ही जाम स्टार्ट हो चुका है. जाम स्टार्ट हो गया, दिल्ली NCR पूरा आ चुका है यहाँ पे. ये वाला सोडा कैसा लगा? नया तरीके का, इसे मैंने नॉर्मल सोडा ना डाल के हम सब मिला लिया और नींबू मसाला. बताओ एक्सपेरिमेंट है, तो इसे खराब बता सकते हैं क्या? ओह
अमित भाई जुगाड़ कर रहे हैं वीआईपी एंट्री का। तो अगर भाई सोनू भाई इस वीआईपी एंट्री से हमारा कितने किलोमीटर, बहुत किलोमीटर बच जाएंगे शॉर्ट बहुत किलोमीटर? मेन बात होती है कि किलोमीटर तो बचेगा बचेगा, तुम्हारा जाम से जरा छुटकारा मिल जाता है, पूरे जाम से आज जाम की ज्यादा प्रॉब्लम है, डिस्टेंस से ज्यादा। असल में जहाँ जाने का हमारा प्लान है ना, जंगल थोड़ा एरिया है, तो यहाँ बैराज के पास से जाता है, तो नॉर्मली ये एंट्री हर किसी के लिए नहीं है, वीआईपी एंट्री है। अब क्योंकि अमित भाई जो हैं एलआईयू से हैं, तो कर देंगे सेटिंग, और आई होप हो भी गया, दरवाजा खुल गया शायद। क्या बनवा रहे हैं? खीरे बनवा रहे हैं क्या? अरे वाह, बंद छोले भी आ रहे हैं यहाँ पर। बंद छोले भी नई आइटम है, बंद छोले पता नहीं भाई खिलाएगा क्या, कहते रहा खिलाऊंगा, बढ़िया बना दे खा तो हम लेंगे। रिपोर्ट बताओ, बंद छोले की रिपोर्ट क्या? ठीक है, बंद छोले ठीक है, अच्छा है। देख लो, अच्छा अच्छा नहीं हो तो आपको पड़ जी मेरा। हाँ कोई नहीं कोई नहीं, पक्की बात है। हाँ हाँ, नई सी आइटम है, डिफरेंट सी ना, जो हमारे बन होता है ना, बन कह लो या बर्गर कह लो, उसके अंदर छोले भर दिए। सिर्फ टेम्पटिंग भाई, बजा कर भैया कहाँ फेंकना है, इसमें डस्टबिन रखना है ऐसी भाई, रोड पर ना फैला कोई यार, कहीं भी आओ ना पहाड़ों में तो डस्टबिन में डाला करो कपड़े के, कूड़े उड़े ने पैसे के, यहाँ पे दिल्ली वाले बदनाम हो रखे हैं, मतलब फ्री फंड में बदनाम हो रखे दिल्ली वाले। तो मैं अपने घर में गंद नहीं कर सकता भाई, यहाँ गंद क्यों करूँ मैं, ये भी तो किसी का घर है ना, ऐसे थोड़ी ना किसी का घर है। पॉइंट समझो ना, मेरा पॉइंट क्या कि मैं अपने घर में गंदगी नहीं फेंकता, मैं यहाँ भी क्यों गंदगी करूँ? गंदगी डस्टबिन में होनी चाहिए, वहीं जानी चाहिए हमेशा। साइलेंट, चिड़िया की आवाज़, ना कोई हॉर्न ना कोई शोर शराबा, यहाँ आ जाने वाला मज़ा। ये पानी की आवाज़ आ रही है साइड से ना, रिवर है हमारे साइड में। अरे भाई बैराज से ना, ये स्पेशली कोई गवर्नमेंट्स के कुछ ऑफिसेज होते हैं ना, उनकी कोई प्रॉपर्टी उसमें कुछ बना हुआ है, गजब यार। कि यहाँ पे हिरन विरन तो शाम के टाइम ऐसे ही नज़र आ जाते हैं, और अगर लेट नाइट हैं तो कुछ भी आ सकता है, बड़ा जानवर भी आ सकता है भाई, लेपड़ लेपड़ आ जाते हैं। लेपड़ का तो पूरा एरिया है, ज्यादा एरिया है, अगर वहां पैदल टाइगर भी है। हां, हम उस एरिया में जहां बच्चों को लेके गए थे, टाइगर तो मैंने यहीं देखा है, इस हम अंदर मुड़े यहां से टाइगर आ गया। वाओ, अल्टीमेट जगह भाई, 100% ये चीतल चीतल लग रहे हैं, तो है छोटे डेढ़ तो नॉर्मल छोटे के छोड़ना, यहां से लेकर वहां तक 100%। ये हाथी ने क्या हुआ है? तो यहाँ हाथी और बाकी जानवर भी होंगे, नॉर्मल है यहाँ ना, ये तो पूरा नेशनल पार्क ही हो गया ना, राजा जी नेशनल पार्क ना, राजा जी नेशनल पार्क के अंदर चीला रेंज में, हम चीला रेंज भाई साहब, गोबर किया हुआ है हाथी ने, सोनू भाई ने उसकी जांच कर दी है, गोबर हाथी का है। बड़ोला बड़ोला लाल पैतला, और ये देखो गजल चल रही है।
अरे भाई मुझे जनरली कुकिंग के नाम पे कुछ नहीं आता, मुझे भी कुछ नहीं आता। मैं तुम्हारी पूरी मदद करता बट मेरे बस की नहीं है। सोनू भाई को पता है कुकिंग के नाम पे मैं सिर्फ पानी उबाल सकता हूँ। देखो पत्थर का चूल्हा बना हुआ, रेडी परमानेंट चूल्हा बना के छोटा का जंगल में इन्होंने, मजा आ गया। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा भाई को हेल्प करने की। मेडिटेशन करने के लिए अलग से म्यूजिक होता है, बढ़िया गजल चल रही है। और भाई देखो हमारे गजल पे श्री श्री 1008, श्री श्री 1008 बड़ोला जी। अभी हाथी गोबर दिखाया उन्होंने, उसको उपला पातेंगे, उसके पे आग लगाई जाएगी। इतनी सी भी गर्मी नहीं लग रही और टेस्टी खाना, इससे अच्छा लंच हो ही नहीं सकता जो खुद बना के खाया हो। मजा आ गया यार अल्टीमेट। देख लिया डांस वांस, देख लिया होगी खुशी, मिल गए मजे आ गए। अब असली मजे हम लेने वाले हैं, आप सिर्फ देख रहे हो। हमने जो मजे फूड के लेने ना, जो कंपनी के लेने ना, सोनू भाई की कंपनी, अमित भाई की कंपनी, आशीष की कंपनी, भूपा की कंपनी। भूपा देखो भाई साहब, हमारे फूफा बड़े खतरनाक आदमी। फूफा सीरियसली कह रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ में ये वाली दोपहर कभी नहीं भूलने वाला, ये वाला दिन कभी नहीं भूलने वाला। और मैं दिल से ना आज सबके सामने थैंक यू बोलना चाह रहा हूँ अपने सारे भाई को। थैंक यू सोनू भाई, अमित भाई थैंक यू, एनी टाइम एनी टाइम, बहुत 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 धन्यवाद। फूफा मजा आ गया, क्या बनाते हो यार, थैंक यू बनाते। तो यार भाई अभी यहाँ से निकल चुके हैं, आगे यहाँ से ऐसा गंगा नहाने का प्लान बन चुका है और गंगा नहा के फिर सीधा निकलेंगे दिल्ली। हरिद्वार आओ और गंगा नहाओ, ऐसे कैसे पॉसिबल है। अभी हमारी एंट्री हो गई वीआईपी घाट में, हर की पौड़ी के ठीक सामने बिल्कुल अपोजिट मेन हरिद्वार जो मेन गंगा नहा है, यहाँ पे स्नान करेंगे, मजा आने वाला है ठंडे ठंडे पानी में एक बार फिर। मतलब मैं सीरियसली कह सकता हूँ दो दिन से हम यहाँ पर हैं और दो दिन से बड़ा पानी ठंडे ठंडे में निकाल के इतना मस्त टाइम चल रहा है ना, गीला 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 रह रहे हैं पूरे दिन। ठंडा पानी कांटली, मज़ा आ गया। मेन गंगा में नहाने का तो वैसे मज़ा आने था, मैं डिश्योर था, और हरिद्वार में आके नहाने में और मज़ा आ गया। अभी तो हालांकि टाइम इतना ही है, मैं यहाँ से निकलना है, वापस निकलेंगे दिल्ली। बहुत अच्छा टाइम निकाला, बहुत अच्छे दो दिन निकाले आपने, देख ही लिया पूरे दो दिन। आई होप आपको भी मजा आएगा, जैसे भी लगा उन्हें बताना यार कमेंट बॉक्स में कैसे करा आपने, मज़ा आ गया यार। हर हर गंगे गंगा मैया की जय। अगर टाइम ज़्यादा होता था गंगा आरती भी रुकते, लेकिन अभी शाम ऑलमोस्ट हो चुकी है और अभी सही टाइम से निकल जाएंगे तो सही टाइम से घर पहुँचेंगे। कल से फिर काम में स्टार्ट, छुट्टियाँ कर रहा हूँ आज की। जय हो गंगा मैया की, देखो कितना मस्त हो रहा है। सो फाइनली यार बॉय, बहुत यादगार जर्नी के बाद ना मज़ा आ गया। मैं अपने ये एक रात और दो दिन ना कभी नहीं भूलने वाला जो मैंने ऋषिकेश में भी निकाले सोनू भाई के साथ में। और सोनू भाई के साथ थ्रू मैं भी आशीष से मिला, भट जी से मिला, बेटियाल जी से मिला, मज़ा आ गया यार। गंगा जी ना है हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी,
रिवर साइड पानी के खूब मजे लिए, बहुत सारे मजे लिए, बहुत सब कुछ आपने देख ही लिया है। आपको दोनों दिन मैंने दिखाए हैं, आई होप आपको अभी तक बहुत मजा आया होगा। अभी फाइनली 5 बजे हम यहाँ से निकल लिए हैं और वापस जा रहे हैं दिल्ली। 3 घंटे का रास्ता है लगभग। अब क्योंकि संडे है, बहुत से लोग वापस जा रहे होंगे, तो हो सकता है 1 घंटे का मार्जिन रख लेते, 3 से 4 घंटे के बीच में, हो सकता है 3-3.5 घंटे में हम दिल्ली पहुँच जाएँ। आई होप अभी तक आपको लगा तो बताना मुझे कैसे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो यार, ना चीज़ आपके कमेंट्स आने बहुत जरूरी थे। आपका फीडबैक होता, आपके कमेंट्स आपका फीडबैक होता, उसी से मुझे मालूम पड़ता मैंने कुछ अच्छा किया है, मेरे रिश्ता कैसे मिले। सोनू भाई सीरियसली मज़ा आ गया, बहुत बहुत ही बेहतरीन टाइम निकाला। आई होप ऐसे टाइम आगे भी चलते रहे, हम लोग इसीलिए आए थे, टाइम कम था। अदरवाइज मैं नॉर्मली 1 रात के लिए जाना प्रेफर नहीं करता, 1 रात 2 दिन के लिए कहीं, मैं कहा टाइम कम टाइम के लिए क्या जाना है, इतना लंबा ट्रैवल भी करो। हालांकि ट्रैवल ज़्यादा नहीं है, 3-3.5 घंटे एक साइड का रास्ता है, बहुत अच्छा टाइम निकालेगा, कम टाइम कम ट्रैवलिंग में, पास में मस्ती होगी, दोस्तों के साथ मिले, भाइयों से बात हुई, बहुत मज़ा आया। तो फाइनली भी घर आ चुका हूँ, थोड़ी थकान है, बहुत ज़्यादा थकान तो नहीं, बट अभी अच्छी सी गहरी नींद मारनी है, लंबी नींद मारनी है, सुबह आराम से उठूँगा, लेट उठूँगा। आई होप आपको दोनों वीडियो मेरे अच्छे लगे अभी तक के, और अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।